नमस्कार दोस्तों, अभी आप गेस कर लो मैं कहाँ पे हूँ। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ अपने रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भी मैं आया था यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि कल क्या है कि रंगभरी एकादशी है, और रंगभरी एकादशी ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का गौना, क्योंकि शादी के बाद पहले क्या होता कि गौना जो होता था कि 3 साल 5 साल के अंतराल में होता था, तो जो भगवान शिव का गौना हुआ था वो रंगभरी एकादशी के दिन हुआ था। तो मैं इस चीज़ को शूट करने के लिए कि रंगभरी एकादशी के दिन काशी में होता क्या है, इसके लिए मैं बनारस जा रहा था। और लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि जो हमारी ट्रेन है वो भैया 5 मिनट पहले निकल गई है। तो आप समझ जाओगे जिसकी ट्रेन 5 मिनट पहले छूट जाए उसकी क्या हालत होगी। तो इसी के वेट में हूँ, अब देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है, क्योंकि जो अगली ट्रेन है हमारी 9:30 बजे के करीब में है, तो मैं इतना देर तो वेट नहीं कर सकता। अभी मैं चलता हूँ बस स्टैंड की तरफ, शायद कोई बस वगैरह मिल जाए तो मैं निकल जाऊँ। और दोस्तों एक बात और, जो रंगभरी एकादशी है बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक काशी में इसका भव्य आयोजन किया जाता है, तो कल मैं इसका वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि पौराणिक चीज़ें हैं और आपको और आनंद आए, क्योंकि अघोरी वगैरह भी हरिश्चंद्र घाट पे जो बनारस में पूरी वगैरह खेलते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा आपका और हमारा भी कि किस प्रकार से हम इसको आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों अभी तो मैं विपत में हूँ, चलता हूँ कुछ बस वगैरह पकड़ के सीधे बनारस जाता हूँ। रात भर अपने किसी के यहाँ रात भर अपना व्यवस्था करूँगा, होटल वगैरह ले लूँगा, उसके बाद कल सीधे मिलेंगे ब्लॉक के साथ। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।